हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू नजाकत बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू नजाकत बना। आलू नजाकत बनाने के लिए हमने ये आलू लिए हैं, इनको हमने छील लिया है और इस प्रकार से हमने इनको खोखला कर लिया है। अब मैं एक आलू लूंगी, इसको भी खोखला करके दिखाऊंगी। इस प्रकार से हमने सारे आलू को खोखला कर लिया है और कितनी आसानी से ये अंदर से खोखला हो जाता है पीलर की सहायता से। ये देखो, हमारा आलू अच्छे से खोखला हो चुका है। कढ़ाई ली है, अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। और ये हमने कुछ मसाले लिए हैं, ये हमने शिमला मिर्च ली है, गाजर, पनीर मैश किया हुआ और प्याज, ये हमने बारीक कटे हुए हैं। और ये हमने 2 से 3 चम्मच अरारोट लिया है और ये हमने दही को बीट कर लिया है। ये हमने 2 चम्मच दही लिया है, इसको बीट कर लिया है। और ये हमने लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच से कम और नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच गरम मसाला। ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये आलू को डाल देंगे। इसी प्रकार से हम अपने आलू को फ्राई करेंगे। जब फ्राई होते हैं तब तक हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमारे प्याज, ये कैप्सिकम, और ये हमने कैरेट लिया है, और ये हमने पनीर लिया है। और इसमें हम ये मसाले मिक्स कर देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, कभी पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने दही बीटा हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा 2 से 2.5 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल दिया है हमने अरारोट में। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम इसे भी एक साइड में रख देते हैं। हम अपने आलू को साइड चेंज कर देते हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है हमारे आलू का। ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तेल अच्छे से निचोड़ लेंगे, सारे आलू को लेंगे। ये हमारे सारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसी अच्छे से साफ हो गया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। इसे हम हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं, अब हम ये जो मसाला हमने तैयार किया था इस प्रकार से हम इसमें आलू के अंदर भर देंगे अच्छे से। इस प्रकार से हमने आलू भरना है। इस प्रकार से हम अपने सारे आलू भरकर तैयार कर लेंगे। ये हमारे आलू सारे भरकर तैयार हो चुके हैं, जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है। अब हम आलू को इसमें डिप करके फिर दोबारा से ये फ्राई करेंगे। इस प्रकार से हम आलू को इसमें डिप करेंगे। इसी प्रकार से हम अपने
सारे आलू को फ्राई कर लेंगे। कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है, प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे सारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने आलू नचाकत की कट करके दिखाएंगे इसको, हम ये देखने में कैसा लगता है। ये हमारा आलू नचाकत बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये हमारे आलू नचाकत बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।